किसान के खेत में लगी फेंसिंग तार को चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा। चोरी की गई फेंसिंग तार को जब्त कर तीन आरोपियों को भेजा गया जेल। खंडवा से इस वक्त की खास अपडेट। पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय द्वारा चोरी के अपराधों में माल मुलजिम की पतारसी हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में थाना मुंदी के अपराध क्रमांक 397/24 धारा 303(2) BNSS में 290 फीट लोहे का फेंसिंग तार बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फरियादी दिनेश पिता मांगीलाल मालवीय उम्र 60 साल निवासी मूंदी के द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को उसके खेत के किनारे लगी फेंसिंग की तार की फेंसिंग चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस पर थाना मूंदी में अपराध क्रमांक 397/24 धारा 303(2) BNSS का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर संदेही आरोपी प्रद्युम्न उपराज पिता रामराज निवासी कोडिया खदान चौकी बीड़ व लोकेंद्र पिता राम प्रसाद राजपूत निवासी नर्मदा कॉलोनी बीड़ और शिवा पिता कैलाश पवार निवासी गांव सोनागाम से पूछताछ की गई, जिसने पूछताछ में आरोपी लोकेंद्र ने मोटरसाइकिल संख्या क्रमांक MP09ZZ4930 से अपने साथी शिवा व प्रद्युम्न के साथ पालसुद माल रोड मुंदी से रोड किनारे खेत में लगी तार फेंसिंग 300 फीट चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही से 290 फीट तार फेंसिंग कीमत 14,500 रुपए साथ ही चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की है। आपको बता दें दर्शकों कि यहां तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है और न्यायालय द्वारा आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। खंडवा से तनिष गुप्ता की खास अपडेट।